तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी फिर से एक नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने जीमेल अकाउंट को किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। हाउ टू रिमूव जीमेल अकाउंट इन दिस वीडियो टॉपिक। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम लोग कई सारी जीमेल आईडी बना लेते हैं और किसी भी कारण से हमें उन जीमेल आईडी को डिलीट करना पड़ता है, या कि हम उन जीमेल आईडी को डिलीट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किस प्रकार से उस जीमेल आईडी को डिलीट कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट और बता देता हूँ आपको कि आप किस प्रकार से अपनी जीमेल आईडी को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। जीमेल ऐप को ओपन कर लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको आपके जीमेल आईडी का लोगो दिखाई देगा। तो सिंपल से फ्रेंड्स, आपने जीमेल आईडी के लोगो के ऊपर क्लिक करना है। लोगो के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको जिस भी जीमेल आईडी को डिलीट करना है, सिंपल से आपको उस जीमेल आईडी के ऊपर क्लिक कर देना है, यानी कि उसे साइन इन कर लेना है पहले अपने जीमेल में। तो फ्रेंड्स, ऐसा कि मैं यहाँ पे जो यस वाई एफ डी नाम करके एक आईडी दिखाई दे रही है आपको, मैं इसी आईडी को डिलीट करना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इस आईडी को ओपन किया हूं, यानी कि यहां पे साइन इन है। आपको सिंपल से उसी आईडी को साइन इन कर लेना है जिस आईडी को आपको डिलीट करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको उस आईडी को लॉग इन कर लेना है जिस आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं। आईडी लॉग इन होने के बाद फ्रेंड्स, आपको फिर से अपनी आईडी के लोगों के ऊपर क्लिक करना है। आईडी के लोगों के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको फिर से आपकी जीमेल आईडी दिखाई देंगी यहाँ पे। और फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है तो आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस। आपको फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वो ध्यान ये देना है फ्रेंड्स कि आप जिस भी आईडी को डिलीट करना चाहते हैं, जिस भी जीमेल आईडी को डिलीट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, आपकी वही जीमेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए पहले से, नहीं तो कोई दूसरी जीमेल आईडी डिलीट हो जाएगी। आपकी इंपॉर्टेंट जीमेल आईडी है वो डिलीट नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, जिससे आपके यूट्यूब चैनल वगैरह चल रहे हैं वो आईडी डिलीट नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सिंपल से एक गूगल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपल से फ्रेंड्स, आपको गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गूगल वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके मोबाइल में जितनी भी जीमेल आईडी होंगी फिर से यहाँ पे शो करने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी उसी आईडी को सेलेक्ट करना है जिस आईडी को आपको डिलीट करना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, डी एस वाई एफ नाम करके यहाँ पे जो जीमेल आईडी दिखाई दे रही है, उस आईडी को हमें डिलीट करना है। जिस आईडी को आपको डिलीट करना है, उस आईडी के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको सिंपल से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और फ्रेंड्स, आपको नीचे एक 3 डॉट का मोर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपल से फ्रेंड्स, आपको इस 3 डॉट मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सिंक नाउ का एक ऑप्शन दिखाई देगा और एक ऑप्शन रिमूव अकाउंट का दिखाई देगा। तो सिंपल से फ्रेंड, आपको जीमेल आईडी डिलीट करने के लिए यहाँ पे रिमूव अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। रिमूव अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और फिर से आपको कैंसिल और रिमूव अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपल से फ्रेंड्स, अकाउंट डिलीट करने के लिए फ्रेंड्स, आपको रिमूव अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रिमूव अकाउंट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप भी कुछ इस प्रकार से अपनी जीमेल आईडी डिलीट कर सकते हैं, अपनी जीमेल आईडी रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरी बताई हुई ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी बताई हुई ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा बताया हुआ कॉन्टेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।